टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 19 का वीडियो नंबर 9 टॉपिक चल रहा है वेक्टर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर है होना है 41। तो 41 में दिया हुआ है और 41 है वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k एंड वेक्टर बी माइनस आई प्लस 2j माइनस 4k वेक्टर सी इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। तो फाइंड द वैल्यू ए क्रॉस बी डॉट ए डॉट सी। ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी की वैल्यू फाइंडिंग करना है, तो किसी एक की क्रॉस वैल्यू फाइंडिंग कर लेते हैं, जैसे हमने ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंडिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद जो आएगी वो यहाँ पे रख देंगे और ए एंड सी के साथ यूज़ कर लिया जाएगा। ए क्रॉस बी की जो वैल्यूज है वो हो जाएगा आई जे के, ए का हो जाएगा 2, 3, -1 एंड बी में -1, -2, -4। तो आई के थ्रू हो जाएगा होगा -12, -2, -1, +2 एंड -j के थ्रू लेंगे -8, -1 एंड प्लस के थ्रू 4, -3 हो जाएगा -10i -9, -1, +9j, +7k। ठीक है, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी रख देंगे 10i+9j+7k डॉट ए क्रॉस सी। ए और सी के टर्म यानी कि 2i+3j-k एंड क्रॉस सी का है i+j+k। तो इस तरह से यूज कर लिए जाएंगे, ये जगह -10, -9, -7, -2, -3, -1, 1, 1। इसको सॉल्विंग करेंगे -10 के थ्रू होगा 3, -1, -1, +1 हो जाएगा -9 के थ्रू होगा 2, +1, +7, 2 -3। तो ये हो गया -10 × 4 -9 × 3 7 × -1 इक्वल टू हो जाएगा -40, -27। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वांटिटीज आ जाएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। ए बी सी आर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आजकल ज़्यादातर आ रहा है। नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर यानी कि असंरेखीय, असंरेखीय नॉन कोप्लेनर वेक्टर, असंरेखीय सदिश है। ए बी सी असंरेखीय सदिश है और दिया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू बी प्लस सी बाय अंडर रूट टू देन द एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, आया हुआ है एलटी एग्ज़ाम में भी आया था और टीजीटी पीजीटी में भी आता रहता है और डीएसएसबी एनबीएस केबीएस टीजीटी एंड पीजीटी के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी इक्वल टू वेक्टर बी वाई अंडर रूट टू प्लस सी वाई अंडर रूट टू। ठीक है, तो बी वाला बी के साथ ले जाते हैं और सी वाला सी के साथ, यानी कि इसको इस तरह से हो सकता है ए डॉट सी माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू वेक्टर बी। ये टर्म इधर माइनस में आएगा, ये ऑलरेडी माइनस है और ये यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट टू एंड वेक्टर सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो जीरो इंटू वेक्टर बी माना जा सकता है एंड जीरो इंटू वेक्टर सी माना जा सकता है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, यानी कि गुणांकों की तुलना करने पर।
एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल है। ए और सी के बीच का करना होता तो ये ज़्यादा यूज़फुल होता, यानी कि ए कोफिशियंट आ जाएगा ए डॉट सी माइनस 1/√2 = 0। ठीक है, ए बी सी आर द नॉन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर होना चाहिए, यूनिट वेक्टर, नॉन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर, ऐसा हम देखिए एकक सदिश है, इकाई सदिश है, क्योंकि तो इकाई सदिश जब तक तो नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन करना पॉसिबल ही नहीं है। नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर अब आसानी से हो जाएगा, एक तो ये इक्वल टू दिस, एक ये आ जाएगा ए डॉट बी प्लस 1/√2 = 0, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू माइनस का 1/√2, ए डॉट बी इक्वल टू होगा ए बी कोस थीटा इक्वल टू माइनस 1/√2, ए बी कोस थीटा यानी कि यूनिट वेक्टर है, ए इक्वल टू 1 होगा, ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू मोड ऑफ बी इक्वल टू 1, 1 × 1 कोस थीटा इक्वल टू माइनस का कोस 45। ठीक है, यानी कि कोस थीटा इक्वल टू कोस 45, इसको लेंगे कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा होगा, एंड यानी कोस 180 माइनस का 45 यानी कि कोस 135, यानी कि थीटा इक्वल टू 135 यानी कि 3π/4, तो थीटा इक्वल टू हुआ 3π/4, यही हमको निकालना था, एंगल इसके बीच फाइंड करना था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आता रहा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 42 हो चुका है, नेक्स्ट 43। ए बी सी आर द थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस का बी क्रॉस ए प्लस सी का मोड किसके इक्वल होगा, ये हमको वैल्यू फाइंडिंग करना है, यानी कि ये मान किसके इक्वल होगा। तो पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए का क्रॉस किया, यानी ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है, डॉट लेते हैं यानी कि ए डॉट ए क्रॉस ए डॉट ए क्रॉस सी प्लस ए डॉट ए क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी, बी से वी डॉट ए क्रॉस ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, सी से लेंगे सी डॉट ए क्रॉस ए प्लस सी डॉट ए क्रॉस सी प्लस सी डॉट बी क्रॉस ए प्लस सी डॉट बी क्रॉस सी, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए ए ए ए ए सी ए बी ए प्लस वॉल्यूम ऑफ ए बी सी बी ए ए बी ए सी बी बी ए प्लस बी बी सी प्लस सी ए ए प्लस सी ए सी प्लस सी बी ए सी बी सी, यहाँ पे दो वैल्यू इक्वल हैं उसका मान 0 हो जाएगा, ये एंड ये, ठीक है, तो इतनी क्वांटिटीज का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस वॉल्यूम ऑफ ए बी सी प्लस जीरो प्लस वॉल्यूम ऑफ बी ए सी प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस वॉल्यूम ऑफ सी बी ए प्लस
ए बी सी एक रोटेशन होगा, ए बी सी, ए बी सी वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू होता है बी सी ए इक्वल टू होता है सी ए बी। ऐसा कुछ नहीं है, ए बी सी दिया है, बी ए सी दिया है यानी कि इस रोटेशन में नहीं है, एंड सी बी ए दिया है, सी बी ए है क्या कोई? नहीं है, सी ए बी तो है, तो यानी कि कम्प्लीटली रोटेशन में कोई नहीं आया है, केवल जैसे ए बी सी है। तो ए बी सी को ए बी सी अगर बनाया जाए तो यहाँ पे ए को यहाँ लो, बी को यहाँ लो, तो एक साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बी सी प्लस सी है सी बी ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ सी बी ए, ठीक है, सी बी ए। सी बी ए अगर बी सी ए होता तो ए बी सी के बराबर हो जाता, बी को यहाँ ले लो, सी को यहाँ ले लो, तो माइनस बी सी ए, माइनस बी सी ए को ए बी सी लिखा जा सकता है, बी सी ए इक्वल टू होगा ए बी सी। तो इस तरह से आंसर दिया जा सकता है, या तो यहीं छोड़ा होगा, या इस ऑर्डर में, या इस ऑर्डर में, तो लास्ट की जो तीन लाइन है इनमें से कोई सा भी ऑर्डर आंसर हो सकता है। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर इस टर्म में दे रखा है, माइनस का वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, हाँ 44 नंबर काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड देखेंगे इफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर एनी टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ए बी, वेक्टर बी एंड सी एनी टू परपेंडिकुलर हैं एंड यूनिट वेक्टर हैं, एंड ए इज एनी वेक्टर, ए कोई अन्य वेक्टर है, ए इज एनी वेक्टर, ए कोई अन्य वेक्टर है, देन ए डॉट बी, ए डॉट बी एंड बी प्लस ए डॉट सी, बी प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन बी क्रॉस सी का स्क्वायर एंड बी क्रॉस सी इज, इसका मान किसके इक्वल होगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, इसकी वैल्यूज हमको पता करनी है। सॉल्यूशन लेते हैं, सिंस वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड बी क्रॉस सी, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड बी क्रॉस सी ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो रहे हैं ए के, बी एंड सी आर टू यूनिट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर के टर्म में बनाएंगे बी क्रॉस सी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी क्रॉस सी, इस तरह से बन जाएगा मोड ऑफ बी क्रॉस सी, यानी कि बी सी एंड बी क्रॉस सी आर थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर होंगे, आर थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर, ये तीन नॉन कोप्लानर वेक्टर होंगे। तो सपोज हम वेक्टर ए कोई एनी वेक्टर है, लेट ए को मान लेते हैं, ए इक्वल टू एक्स बी प्लस का वाई सी प्लस का जेड बी क्रॉस सी, यानी कि इनसे जो बनने वाला जो वेक्टर है, इनसे जो बनने वाला वेक्टर है उसको हम इस तरह से मान सकते हैं, ए कोई एनी वेक्टर है तो वो एक्स बी इसके टर्म में, वाई सी एंड जेड बी क्रॉस सी, ठीक है, जेड बी क्रॉस सी इस टर्म में कोई वेक्टर मान दिया गया है, जहाँ पर एक्स इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर स्केलर्स, जहाँ पर एक्स वाई जेड स्केलर है, उसके बाद लेते हैं ए डॉट, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये हो जाएगा, ए की वैल्यू रखेंगे एक्स बी प्लस का वाई सी प्लस का जेड बी क्रॉस सी
डॉट बी क्रॉस सी, तो एक्स बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस का वाई, सी डॉट बी क्रॉस सी प्लस का जेड, बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी। तो बी डॉट बी क्रॉस सी यानी कि एक्स वॉल्यूम ऑफ बी बी सी हो जाएगा, यहाँ चल रहा है ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, और ये हो जाएगा सी बी सी, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, एंड जेड मोड ऑफ बी क्रॉस सी का स्क्वायर, मोड ऑफ बी क्रॉस सी का स्क्वायर यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए बी सी या ए डॉट बी क्रॉस सी और तो हम जेड की क्वांटिटी फाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जेड का मान रखना चाहे तो रखा जा सकता है, तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस का जेड बी क्रॉस सी का मोड का स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ ए बी सी या ए डॉट बी क्रॉस सी, तो जेड बराबर हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी बटे मोड ऑफ बी क्रॉस सी का स्क्वायर। अगर जेड की वैल्यू निकालना हो तो जेड बराबर ए बी सी अपॉन बी क्रॉस सी के मोड का स्क्वायर। ठीक है, जेड इतना हो जाएगा। फिर लेते हैं ए डॉट बी एंड एक्स की टर्म में अगेन, यानी ये क्वांटिटी हमको फाइंड करना, ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए डॉट बी निकाल लें, ए डॉट सी निकाल लें, और इनके बारे में वैल्यू निकाल के रख देते हैं किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि ये जो है ये तो है जेड के बराबर, है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी बटे मोड ऑफ बी क्रॉस सी का स्क्वायर, ये तो आ गया जेड के बराबर। और इन क्वांटिटीज को भी फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा जेड, जेड बी क्रॉस सी, ये वाई और ये अगर एक्स होता तो वेक्टर ए बनेगा, तो वही निकालना है किस तरह से ये बन पाएगा देखते हैं। ये एक क्वांटिटीज़ है जो वैल्यूज हमको फाइंड करना है, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या है, ए के साथ बी का अगर डॉट कर दिया जाए, ए डॉट बी, ए डॉट बी ले लो, तो एक्स बी डॉट बी वन हो जाएगा, बाकी तो बी डॉट सी, ए डॉट बी, इसमें देखेंगे बी के साथ डॉट करना है, ए के साथ बी का डॉट यानी बी डॉट बी वन, और बाई सी डॉट बी एंड जेड बी बी सी, वॉल्यूम ऑफ बी बी सी बन जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई सी डॉट बी, और यहाँ पे होगा ए डॉट बी। ठीक है, तो अब इस कंडीशन से हमको मिल सकता है बी डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि बी क्रॉस सी एंड बी परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में कहा था बी एंड सी परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में B एंड C परपेंडिकुलर वेक्टर है, B डॉट C इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा जीरो एंड X एंड A डॉट B यानी X इक्वल टू आ गया A डॉट B। ठीक है, X इक्वल टू A डॉट B आ जाएगा, X का मान आ रहा है A डॉट B। ठीक है, अब हमको निकालना है Y का मान, X का मान आ गया और Y आ जाएगा ए डॉट सी, देखते हैं बाई कैसे निकालेंगे, अगर इसको सी के साथ डॉट कर दिया जाए, इसी इक्वेशंस को यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो माने थे इसको ए डॉट सी ले लेते हैं, आपके बाद ए डॉट सी एक्स ये हो जाएगा बी डॉट सी प्लस का वाई सी डॉट सी प्लस का जेड सी डॉट बी क्रॉस सी, तो ये हो जाएगा ए डॉट सी एक्स बी डॉट सी प्लस का वाई सी डॉट सी वन एंड बी डॉट सी जीरो हो जाएगा, जेड वॉल्यूम ऑफ सी बी सी ये हो जाएगा ज़ीरो,
जेड इंटू ज़ीरो प्लस का वाई एंड एक्स बी डॉट सी इक्वल टू ज़ीरो एंड ए डॉट सी। तो ए डॉट सी इक्वल टू हो जाएगा वाई, ए डॉट सी इक्वल टू क्या आ गया वाई आ गया, यानी कि वाई आ गया ए डॉट सी। अब हमको जो वैल्यू फाइंडिंग करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक, तो ए डॉट बी हमारा आ रहा एक्स, ए डॉट सी आ रहा वाई, और ये आ रहा हमारा जेड बी क्रॉस सी। इसको हम माने थे वेक्टर ए, यानी कि ये जो क्वांटिटी है इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए के। ठीक, तो थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा देखने में टफ भी लग रहा है, परंतु बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 होगा, पी क्यू आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड। पी क्यू आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इन सेम मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर वेक्टर एक्स सैटिस्फाई द इक्वेशन। तो यह है पी क्रॉस एक्स माइनस का क्यू प्लस क्यू क्रॉस एक्स माइनस का आर क्रॉस क्यू इक्वल टू आर क्रॉस एक्स माइनस का पी क्रॉस आर इक्वल टू जीरो वेक्टर। एक्स की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर एक्स इज ये फाइंड करना है, ये वन बाई टू वेक्टर पी प्लस क्यू माइनस टू आर एंड बी है वन बाई टू वेक्टर पी प्लस क्यू प्लस आर एंड सी है वन पॉइंट थ्री पी प्लस क्यू प्लस आर एंड डी है वन पॉइंट थ्री टू पी प्लस क्यू माइनस आर। तो इसमें से हमको निकालना है x का मान क्या होगा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंडिंग करना है, तो काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्विंग करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहा हूँ, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पहले इनका मल्टीप्लाई कर दें x क्रॉस p एंड दिस, फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जैसे पी क्रॉस क्यू क्रॉस पी आ जाएगा, उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऐसी क्यू क्रॉस आर क्रॉस क्यू आ जाएगा, फिर इधर भी ऐसी आएगा, तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर करके सॉल्विंग करना है इधर के और इधर के, फिर कंपेयरिंग करना है, तो कंपेयरिंग करके कहीं ना कहीं एक्स वाला टर्म सेपरेट हो जाएगा, एक्स वाला टर्म सेपरेट होकर उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा वन बाई टू पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो x वाले टर्म को सेपरेटिंग करना, सेपरेटिंग करके आंसर निकल आता है, थोड़ा सा सोल्व करेंगे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से ये हो पाएगा।